और आज हम बात करने वाले हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है? इंटरमिटेंट फास्टिंग है कि आप ब्रेक्स में फास्टिंग करते हैं, मतलब कि आप कंप्लीट डे फास्टिंग में नहीं है, आप कुछ समय खाना खाते हैं और कुछ समय आपकी बॉडी फास्टिंग मोड में रहती है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के क्या फायदे हैं? इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको हेल्प करेगी फैट लॉस में, आपकी बेली रिड्यूस करने में और इंच लॉस में, मतलब आपकी कमर भी उससे पतली हो जाएगी। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कितने टाइप की होती है? इंटरमिटेंट फास्टिंग है 3 टाइप्स की। तो जो फर्स्ट और सबसे बेस्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग का टाइप है वो है 16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसमें 16 घंटे आपकी बॉडी फास्टिंग मोड में रहती है और बाकी के 8 घंटे आप नॉर्मली हेल्दी खाना खा सकते हैं। उसके बाद जो हमारा सेकंड टाइप है वो है स्टॉप ईट स्टॉप। इसमें क्या करना है? इसमें 5 डेज आप हेल्दी खाना खाएंगे और 2 दिन आप कंप्लीटली फास्टिंग में रहेंगे। इसके बाद आती है हमारी तीसरी टाइप की फास्टिंग, जो कि है 5:2। इसमें आप 5 दिन के लिए नॉर्मली जैसे आप खाना खाते हैं वैसे खाएंगे और 2 दिन आप 500 से 600 कैलोरीज ही इंटेक करेंगे। लेकिन याद रखने की बात ये है कि वो 2 दिन लगातार 2 दिन नहीं हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपने मंगलवार को फास्टिंग की तो उसके बाद नेक्स्ट आप शुक्रवार को सेकेंड फास्टिंग डे रख सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी 3 तरह के इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो इसमें इन तीनों में से सबसे इफेक्टिव फास्टिंग जो मानी गई है वो है हमारी फर्स्ट, जो कि है 16:8 वाली इंटरमिटेंट फास्टिंग। और ये करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी टाइप की फास्टिंग है। तो इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप 16 घंटे, जो 24 घंटे की हमारी साइकिल होती है डेली की, उसमें से 16 आवर्स आप फास्टिंग करते हैं और जो 8 आवर्स हैं उसमें आप हेल्दी खाते हैं। अब अगर आप सोचें 8 घंटे तो आपकी नींद में निकल जाते हैं, तो वो 8 घंटे तो आप खा ही नहीं रहे, तो 16 आवर्स में से 8 आवर्स तो आपकी स्लीप में फास्टिंग ऑलरेडी हो जाती है। अब बाकी के जो 8 घंटे होते हैं वो हमें थोड़ा सा वाइजली मैनेज करने होते हैं। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए भी आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप अपना जो फर्स्ट मील है, दिन का जो पहला खाना आप खा रहे हैं, वो आप सुबह 11 बजे खाएं। इसका मतलब आपका ब्रेकफास्ट स्किप होगा और आप डायरेक्टली 11 बजे ब्रेकफास्ट कम लंच कर सकते हैं। और जो आपकी लास्ट मील है वो होगी शाम को 7 बजे। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है नेक्स्ट डे 11 बजे तक। इसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन में आपकी जो फर्स्ट मील है वो होगी दिन के 12 बजे और जो आपकी लास्ट मील होगी वो होगी रात को 8 बजे। इसके बाद आपको फिर से कुछ नहीं खाना है अगले दिन 12 बजे तक। और जो थर्ड ऑप्शन है उसमें आपकी पहली मील जो होगी सुबह की वो होगी दिन के 1 बजे और लास्ट मील होगी रात को 9 बजे। तो इन तीनों में से आपको जो सबसे कन्वीनियंट लगता है वो आप फॉलो कर सकते हैं। अगर बेस्ट देखा जाए तो फर्स्ट है, जिसमें आप जो पहली मील है वो सुबह 11 बजे लेते हैं और जो आपकी लास्ट मील है वो आप शाम को 7 बजे लेते हैं। अब अगर हम बात करें कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेनिफिट्स क्या है, तो अगर आप सोचें कि आपका जो टोटल कैलोरी इनटेक है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है जब आप 16 आवर्स फास्टिंग करते हैं। तो जब आपका कैलोरी इनटेक कम हो जाता है तो हमारी बॉडी एक फैट बर्निंग हॉर्मोन एक्टिवेट करती है, जिससे आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो इंक्रीज हो जाता है और ऑटोमेटिकली आपका वेट रिड्यूस होने लगता है। इसके अलावा जो आपका इंसुलिन का लेवल है वो भी धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। तो जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़
कि कुछ भी संभावना हो सकती है वो अपने आप रिड्यूस हो जाती है। इसके अलावा और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? हार्ट रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कम हो जाती हैं, बीपी आपका नॉर्मल हो जाता है, फिर आपकी उम्र बढ़ जाती है और आपका वेट लॉस जो कि हमारा मेजर पॉइंट है वो तो होता ही है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिन्हें ये रिकमेंडेड नहीं है। तो कुछ लेडीज का अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से इफेक्ट हो रहा है तो उनके लिए ये रिकमेंडेड नहीं है। सेकेंडली, जो भी लेडीज कंसीव करने वाली हैं या फिर जो लोग ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं उनके लिए भी ये रिकमेंडेड नहीं है। जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके लिए भी इंटरमिटेंट फास्टिंग रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप ऑलरेडी अंडरवेट हैं तो भी आपके लिए ये फास्टिंग सही नहीं है। अगर आपको लो बीपी का प्रॉब्लम है तो भी आप इसे ना करें। और अगर आप बहुत लंबे समय से किसी तरह के मेडिकेशन पे हैं ड्यू टू सम प्रॉब्लम, ड्यू टू सम सीरियस डिजीज, देन आल्सो आपके लिए ये रिकमेंडेड नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये है बहुत छोटी छोटी चीज़ें इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो ट्रस्ट मी, आपको बहुत जल्दी 3 से 4 हफ्तों में ही 3% से 8% फैट लॉस पता चलेगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको ये पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।